लफड़ा हो गया है क्योंकि हम लोग संगम, बाकी सनसेट बहुत तगड़ा हो रहा है यहाँ पे। 8 तारीख को एयर शो होने वाला है तो उसकी तैयारी भी बहुत जोरों शोर चल रही है। जय गंगा मैया। अभी फिलहाल आ चुके हम लोग बड़े हनुमान जी से, अपनी VIP एंट्री है भाई। जय श्री राम। दर्शन करते रहे आगे। भाई अभी हम लोग शिव लाइन में है। भाई हम लोग आए बिरयानी बीच। तो नमस्ते सभी को, आज हमारे ब्लॉग का 41वां दिन। और अभी फिलहाल भाई मौसम आज सही है, देखो मतलब आज घूमने लायक है। तो देखते कहाँ जाते हैं आज। और आज मंगलवार था तो आज हनुमान चालीसा पढ़े, पूजा किए और अभी आके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है आज के दिन। गाइस अभी फिलहाल आए हैं हम झूला झूलने और यहाँ पे चिड़िया बहुत ढेर सारी भाई, हर जगह घोंसला बना हुआ है यहाँ पे। मतलब जितने पेड़ है ना सब में झूला बना, वो घोंसला बना हुआ है। वो एक बैठी है, बहुत अच्छी आवाज आती है यहाँ पे। देखो सुनाई दे रहा है, एक बार सुनना। अच्छा है ना। चलो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, आया था मैं झूला झूलने थोड़ा मजाक करने। चलो चलते हैं। गाइस लफड़ा हो गया है, मोदी सरकार पैसे बांट रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग कूदते हुए जा रहे हैं। बहुत ढेर, बहुत ज्यादा लोग है भाई। ये तो अभी आपको बहुत कम दिख रहा है, पीछे बहुत ज्यादा लोग थे, पीछे ज्यादा भीड़ थी, इसकी वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं शूट कर पाए। गाइस अभी हम लोग आए हैं देहाती में शश, ये देखो इसको खा ले। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं संगम नगरी और यहाँ पे आपको पहले हम लोग सिनेमेटिक शूट आपको दिखाते हैं। बहुत तगड़ा है आज का मौसम और पहले शुरू से और लास्ट तक आपको सिनेमेटिक शूट दिखाते हैं, फिर इसके बाद आपको सारी बातें बताएंगे। चलिए सिनेमेटिक शूट देखिए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is. तो गाइस कैसा लगा आपको सिनेमेटिक शूट? और ये भाई बहुत मतलब वो हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा आई होप। और आज का मौसम भी बहुत सही था, इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे मौसम ने कवर किए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जगह का कवर किया। और चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। ओके। और यहाँ पे भाई आज का व्यूज बहुत तगड़ा है, आप देखे होंगे पीछे उसमें सिनेमेटिक शूट में बहुत गजब व्यूज है। और यहाँ पे 8 तारीख को एयर शो होने वाला है तो उसकी तैयारी भी बहुत जोरों शोर चल रही है। और इधर देखो भाई वहाँ पे बैठेंगे हमारे, आएंगे द्रौपदी मुर्मू जी आएंगे और बहुत लोग आएंगे, मतलब बहुत लोग आएंगे 8 तारीख को। और यहाँ पे देखो सनसेट, देखो बहुत तगड़ा सनसेट हो रहा है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं, बाकी सनसेट बहुत तगड़ा हो रहा है भाई। सनसेट आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखा भाई सनसेट एक नंबर तगड़ा हो रहा है। और इधर तैयारी बहुत सही चल रही है भाई, और उधर चलते हैं अंदर। तो भाई मौसम देखो, मौसम थोड़ा पानी वो कर ले अपने लिए। चलो जय गंगा मैया, जय जमुना सी, तुम भी कर लो यार। अपने ऊपर चिर के नहीं भाई, बाहर चिर, ऊपर चिर। हाँ ऐसे चलो जा चुके हैं हम लोग। हाँ बैठो यहाँ पे ना, वो भी जा रहे हैं हम लोग। हाँ शाम टाइम ना। चलो गाइस सब चलते हैं बड़े हनुमान जी दर्शन करने, आज ट्यूसडे है तो भीड़ होगी काफी। भीड़ नहीं काफी। ये देखो टूरिस्ट टूरिस्ट वैन वन बहुत आती भाई, यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आते हैं ना, है ना। चलो सब्सक्राइब करवाएं अपने चैनल। हाँ गाइड सिस्टम है ना भाई, सिस्टम है सिस्टम। एलविस भाई क्या कोई बोल सकता है क्या? एलविस अबे तुम हिंदाम ने बोला काटा मुश्किल हो जाते हुए। हाँ अब हिंदाम ना काटा कर। हाँ तो अभी हम लोग चले बड़े हनुमान जी दर्शन करने। और वो देखो नैनी पुल दिख रहा है यहाँ से, चलो नैनी पुल तैर के चला जाए। यहाँ पे 8 तारीख को एयर शो है भाई, एयर शो देखने आएंगे तो वो वाला व्लॉग देखना मत भूलना, बहुत मजा आएगा। और फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, ऊपर खड़ी की है क्योंकि यहाँ पे ढलान है, गाड़ी ढलक जाती है। ये देखो कोई गेट खुला है, ठीक कौन है ये, कोई दिक्कत नहीं ना, सिस्टम टाइट है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एलविस भाई आगे कोई नहीं बोल सकता। और ये गाड़ी अपनी है,
23 वाली। ये देखो स्टार्ट करके भाग रहा है, इसको पकड़ के मारे क्या गाइस? ये लंडवा यही आए, इसको पकड़ के मारने का मन हो रहा है। कोई बात नहीं, ये देखो भाई हमारे, अब भाई जय श्री राम, बहुत सही। अबे गाड़ी कहाँ भाई? भाई वो खड़ी ना, वो है भाई, तो कहाँ ले जाते होगा वो, इनमें कहूँ गाड़ी गायब हो गया कहाँ। चलो गाइस सब चलते हैं बड़े हमारे। फिलहाल आ चुके हम लोग बड़े हनुमान जी, और भाई भीड़ देखो, देखो भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, ये देखो भीड़। चलो अंदर चलते हैं भाई, आज की भीड़, अभी अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। वीआईपी एंट्री यहाँ से होती है, बाकी लोगों के लिए इधर से है, अपनी वीआईपी एंट्री है भाई। ये देखो सिस्टम है भाई, एलिस भाई आगे कोई बोल सकता है क्या? जय श्री राम। चलो जय श्री राम गाइस, आपको दर्शन कराते हैं, ठीक है, बने रहिए हमारे व्लॉग में। गाइस दर्शन हो चुका है, इधर कीजिए इधर, इधर पहुँचे गाइस, यहाँ पे हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। गाइस हमारा दर्शन हो चुका है, और अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर। ये देखो तो दर्शन करने के बाद आ चुके हम लोग बाहर, और यहाँ से देखो तगड़ा लग रहा है ना। तो अभी फिलहाल चलो गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं, और मिलते हैं आगे आपसे। अभी हम लोग थोड़ा मॉल आए थे, दूसरा मॉल है ये, ठीक है, ऑफिस आए थे, मतलब गाइस अभी हम लोग ऑफिस आए थे, और किसी ऑफिस आए थे ये नहीं बता सकते। और अभी फिलहाल थोड़ा सर्चिंग हो रही है, हम लोग को मिल नहीं रहा, जो दो ढूंढने आए थे। चलो हम लोग जो ढूंढने आए थे यार, नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ है यार। ये देखो इधर सिस्टम विस्टम है भाई, सब बंद है, पूरा एकदम खाली है। चलो ढूंढते हैं भाई, अभी हम लोग शिविर लाइन में हैं, और ये सर हमारे बुलेट लेके टहल रहे हैं, कहीं गए थे घूमने। अच्छी बुलेट है भाई इनकी, गोल्डन कलर की बुलेट, तगड़ी है। और भाई हमारा काम नहीं हो पाया है, जो काम करने आए थे। चलो चलिए अभी हम होगा लेकर, चलो चलते हैं गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस हम लोग आए बिरयानी बीच, हमारे अभिषेक भाई नहीं खाएंगे, तुम ना खाओ ना, हाँ तो फिर इधर दे दो। और बिरयानी बीच भाई, ये कहाँ पर पड़ता है भाई? अरे ये नहा जीवन निधि आई क्लिनिक सेंटर मानेवर के पीछे पड़ता है, जो कभी भाई बहुत सही बनाता है, चेक करें पहले, मैं चेक करें क्या भाई, ये देखो सही है, बिरयानी बहुत सही थी। अब से एक भाई थोड़ा सा खाएं, कैसा लगा? सही थी, बाहर से भाई ऐसी दिखती है, आप आओ तो कभी इधर, यस हॉस्पिटल के पीछे है, आओ तो एक बार, ये वो यस हॉस्पिटल है और उसके आगे आओगे ये है भाई। अब चलो चलते हैं घर, और घर में मिलते हैं, ओके। सो गाइस अभी फिलहाल आ चुका हूँ मैं घर, और एक मिनट थोड़ी बात मेरी सुन लो यार, इम्पोर्टेंट मैसेज देना था भाई। जो मैं प्रयागराज में कुछ नया लाने वाला हूँ, जो कि मैं कुछ लॉन्च करने वाला था, वो मैं अभी वो कर दिया हूँ, अभी नहीं आएगा वो। और कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं भाई, हमारे शेर शाह जी मैसेज कर रहे हैं कि कब आएगा नया मांगती, तो भाई जो भी हो तुम, मुझे लगता है जो मैं नाम पता है तुम कौन हो, लेकिन मेरे घर आ जाओ, मैं तुमको वहां समझा दूंगा। लेकिन मैं अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं कर रहा हूं, उसके कुछ कारण, क्योंकि यार पित्तल लग चुका है, तो कुछ अच्छा काम नहीं स्टार्ट करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं जो स्टार्ट करूं वो फेल हो जाए, और वो बहुत समझ लो मेरे ड्रीम में से एक है, तो भाई उसको मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता।
तो इसीलिए वो 15 तारीख यानी नवरात्र जब स्टार्ट होगी तब वो मैं सुबह आपको मिल जाएगा, यानी 14 तारीख मैं पूरे रिकॉर्डिंग कर दूंगा, सब कुछ आपको समझा दूंगा और 15 तारीख को लॉन्च कर दूंगा। तो इसके लिए भाई माफी चाहते हैं कि वो लेट हो रहा है भाई, मुझे भी नहीं पता था कि पितर लग जाएगा तो नहीं स्टार्ट करते, वरना और पहले मैं उसको बता देता आपको, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और आज बोला था मैं कुछ दिन बाद ट्यूजडे जाऊंगा, तो आज गया था मैं। तो बाकी आपको अच्छा लगा व्लॉग तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।